में चल रही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। बैठक में मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, राजीव शुक्ला, जनार्दन द्विवेदी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी ने इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हार से हौसला खोने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। पार्टी चुनाव में सिर्फ 44 सीट जीत पाई थी, जिसके बाद माना यही जा रहा था कि कांग्रेस को यह फैसला करने में मुश्किल होगी कि संसद में, लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से नेता किसे चुना जाएगा और विपक्ष का नेता कौन बनेगा। अब संसदीय दल की नेता बन गई है सोनिया गांधी, यानी राहुल गांधी इस जिम्मेदारी से बच गए। क्या कहा बैठक के बाद कांग्रेस के नेताओं ने, सुनिए। नहीं तो आप बीच में एक बार शुरू कर देना। आइए फ्रेंड्स, कम ऑन। दिस वाज अ शॉर्ट मीटिंग। The only agenda was to elect a president of the Congress Parliamentary Party unanimously with great thumping of desks. We have elected Shrimati Sonia Gandhi as chairman of the CPP. The Prime Minister spoke briefly about the leadership and guidance provided by the Congress president and now chairperson of the CPP. Mrs. Gandhi then spoke, and while underlining the scale of the defeat, reminded us that we have the individual and collective strength to come out of this situation. We have done it before and we will do it again. And she has pointed out the role of the Congress Party as a constructive, positive opposition. And I think the spirit was one of constructive optimism and a looking to the future with strength and confidence. Hindi bol dijiye please. Ye ek choti meeting thi jiska mool karyakram tha Congress Parliamentary Party, कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी के अध्यक्ष का चुनाव। प्रधानमंत्री, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले और उन्होंने हमें याद दिलाया शुरुआत से श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व के बारे में, उनके सकारात्मक और बुलंद नेतृत्व के बारे में। अलग अलग भिन्न कांग्रेस मेंबरान ने श्रीमती सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित किया। खरगे जी ने किया, मोसीना किदवाई जी ने किया, अन्य लोगों ने किया और सर्वसम्मति से वो चुनावित हुई अध्यक्ष सीपीपी की। फिर माननीय सोनिया गांधी जी बोली और उन्होंने हमें सामूहिक रूप से एक सकारात्मक विपक्ष के रोल को अदा करने की सीख सिखाई और याद किया कि यद्यपि कांग्रेस के लिए कठिन समय है लेकिन हम ऐसे रिजेक्ट कर दिया, वर्किंग कमेटी ने रिजेक्ट किया। अब हमें नई लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ शुरू करनी है। कांग्रेस पार्टी ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैंने खुद 77 में हम लोग फील्ड में स्ट्रीट फाइट्स हमने देखी है, स्ट्रीट फाइट की है। हम वापस आए, हमने फिर लेट 90s और अर्ली 2000 में भी हमने देखा है। तो राजनीति में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हम इसका पूरा डट के मुकाबले करते हैं। मुझे नहीं, उनके सलाहकार कौन, उनके सलाहकार सब पार्टी के लोग हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी हम सब लोग मानते हैं और अपनी अपनी कमियां और कमजोरियां जहां हैं उनको ठीक करने का हमें प्रयास करना है और शायद हमें ठीक करने का अवसर भी मिला। सत्ता में रहकर अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां, अपनी वीकनेसेस नहीं दिखती हैं। जब आप अपोजिशन में आते हैं तो अपनी वीकनेसेस लोग बताते भी हैं क्योंकि सत्ता में रहकर लोग हमारी वीकनेसेस बताने में भी डर जाते हैं। तो जहां शायद
अगर आप रेगुलरली पावर में रहें तो शायद सत्ता के भरोसे सरकार चलती है, पार्टी के भरोसे नहीं। और हमने जब जब भी पार्टी बनाई है तो विपक्ष में रहकर पार्टी बनाई, हमने कभी भी सत्ता में रहकर पार्टी नहीं बनाई।